दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, इसको आप घर पे मत ट्राई कीजिएगा। हेलो इंजीनियर, दिस इज वसंती। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही अलग किस्म का एक सर्किट जो कि आप आसानी से घर पे बना सकते हैं इसको। ये एक्चुअली में एक सीक्रेट वॉइस मैसेज वाला सर्किट है, और ये इतना ही नहीं, सीक्रेट मैसेज आप इसमें से ले सकते हैं, और साथ ही साथ सीक्रेट मैसेज देने के बाद ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्चुअली आप लोग इसको देख सकते हैं, जो मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी होते हैं इस पर आप लोग देख सकते हैं सीक्रेट मैसेज देने के बाद ऑटोमेटिकली किस प्रकार से डिस्ट्रॉय होते हैं। वो प्रोजेक्ट जो है वो मैंने बनाया है आज, तो इसको आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। अपना पासवर्ड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो सीक्रेट मैसेज है वो दे देगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कॉम्पोनेंट बहुत ही कम रेट पे और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। किसी भी कंपोनेंट को आप सर्च करने के लिए यहाँ पे मैनुअल सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पार्ट नंबर और कीवर्ड डाल के बहुत ही आसानी से आप इसका सर्च कर सकते हैं। किसी भी पार्ट नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये आपको ऑर्डर करने का 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है mauser.in। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में इसका जो डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। एक्चुअली इसका जो पावर मतलब हम लोग जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका जो 5 वोल्ट बीसीसी और ग्राउंड जो होते हैं उस पर अगर हाई वोल्टेज देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आईसी है वो उड़ जाएगा। तो मैं इसको टेस्टिंग अलग से आपको दिखाता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं इस पर मैंने हाई वोल्टेज अभी प्रोवाइड करेंगे, तो जब ये बटन को दबाएंगे तो देखिएगा इसमें से ये जल जाएगा। तो अभी इसको दबाते हैं, तो देखा आपने ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, मतलब इस पर हाई वोल्टेज देने के बाद ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बाद इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी चलिए इसी सिस्टम को हम लोग यूज करके ये सर्किट बनाते हैं। अभी तो आपने देखा है सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, तो इस पर मैंने हाई वोल्टेज का एक जो कि फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर लगा दिया है जिसके मदद से हाई वोल्टेज निकलेगा। तो निकलने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने में इसको सहायता करेगा। तो अभी इसका जो प्रोग्रामिंग है, एक्चुअली में प्रोग्रामिंग जो है वो माइक्रोकंट्रोलर के अंदर ही होगा, एक्स्ट्रा कोई भी माइक्रो एसडी या पेन ड्राइव की जरूरत नहीं होगा। तो अभी ये जो माइक्रोकंट्रोलर है इस पर ही सभी बॉयस हम लोग इस पर डालेंगे, तो वो बॉयस किस प्रकार से डाल सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा बॉयस देने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कैसे हो सकते हैं उसका प्रोग्रामिंग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं वो प्रोग्रामिंग किस प्रकार से एक्चुअल में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक आर्डिनो लेना होगा, तो आर्डिनो का जो आउटपुट होगा वो होगा D11। तो हम लोग इसको आउटपुट करेंगे और एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से इसका एम्पलीफाई करेंगे। तो ट्रांजिस्टर मैं BC547 को यूज कर रहा हूं,
इसके माध्यम से हम लोग इसको एम्पलीफाई करेंगे। तो आर्डिनो का जो D11 है इसको आर्डिनो के जो कि बेस पे लगाएंगे और कलेक्टर को पॉजिटिव वोल्टेज देंगे 9 वोल्ट देंगे, और जो इमीटर है इसको स्पीकर पे लगा देंगे और स्पीकर का और एक कनेक्शन ग्राउंड पे लगा देंगे। इस प्रकार से ये कनेक्शन हो गया है। तो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद तो सबसे पहले हम लोगों को एक बॉयस लेना होगा। तो मैं ये बीट जो है इसको ले लिया, इस बॉयस को हम ले लिया। तो इसको डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करना होगा ऑडासिटी को, ओपन करना होगा। तो ये ओपन हो रहा है, तो जब भी ये ओपन हो जाएगा तो वही बॉयस को हम लोगों को इस पर लाना होगा। फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करके ला सकते हैं या फिर इंपोर्ट करके भी ला सकते हैं। तो ऑडियो पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। जाने के बाद जो बॉयस हमने अभी सिलेक्ट किया है जैसे कि ये वाला, इसको ओपन करेंगे। तो ये आ गया है, और इसी बॉयस को हम लोग अलग अलग साउंड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ से सिर्फ इतना हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसी बेस को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये प्ले करने के बाद एक बेस इस पे सिलेक्ट हो रहा है, तो इसी बेस को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना होगा। जाने के बाद 16-bit PCM पे क्लिक करना होगा। तो ये PCM हो गया है, और अभी नीचे का जो हार्ज है इसको हम लोग 8000 करेंगे। करने के बाद हम लोगों को इसको सेव करना होगा। तो फाइल पे जाएंगे, जाने के बाद एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट MP3 करना होगा। MP3 करके हम लोगों को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे बेस 1 करके। तो अभी सेव, ओके। तो सेव हो गया है, होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए बेस 1 नाम इस पे आ गया है। तो अभी इसको हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करेंगे। करने के लिए हम लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करना होगा। तो एनकोड ऑडियो जो है इसको ओपन करेंगे और बेस 1 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये पेज ओपन हो जाएगा, और बेस को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। करने के बाद ये जो कि कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा दिया है, अभी ये कॉपी हो गया है, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए इसको ओके कर दिया। अभी हम लोग आर्डिनो को ओपन करना होगा। तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो गया है। तो अभी हम लोगों को स्केच पे जाना होगा। इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैनेज लाइब्रेरी, तो हम लोगों को मैनेज लाइब्रेरी पे जाके क्लिक करना होगा। तो ये मैनेज लाइब्रेरी ओपन होगा। होने के बाद इस पर कुछ डाउनलोडिंग होगा। होने के बाद हम लोगों को इस पर लिखना होगा PCM। तो PCM लिखने के बाद आप लोगों को PCM दिखाई देगा। तो जब भी नीचे आएंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे PCM लिखा आ रहा है। तो इसको जस्ट हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल लेने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखिए PCM इंस्टॉल्ड। तो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे और फाइल पे जाएंगे। जाने के बाद एग्जांपल पे जाएंगे। जाने के बाद PCM को हम लोगों को ओपन करना होगा। तो नीचे आने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा PCM। PCM यहाँ पे आ गया है। तो प्लेबैक, तो प्लेबैक के हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो कूड आ रहा है, इस कूड को हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर दिया। अभी इस पर हम लोग हमारा जो कॉपी हुआ है, जो थोड़ी देर बाद हमने कॉपी किया था, जो फाइल मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, ये जो एनकोड ऑडियो है इसको ओपन करने के बाद जो आ रहा है बेस 1 पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये कॉपी देखिए यहाँ पे कॉपी आ गया है। सिर्फ हम लोग को पेस्ट करना होगा। तो अभी इस पर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे पेस्ट आ गया है। तो जो ऑडियो हमने कन्वर्ट किया है वो डिजिटली कन्वर्ट होके इस पर पेस्ट हो गया है। तो अभी इसको जस्ट अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए आर्डिनो को फिट करना होगा। तो आर्डिनो का कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो अभी आर्डिनो का कनेक्शन हो गया है। तो अभी इसको जस्ट अपलोड कर देंगे। तो अभी इस पर अपलोड कर दिया। तो ये अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक रिसेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा, और नहीं तो आप आसानी से इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं बॉयड लूप पे जाके। तो अभी देखिए जब भी इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद ये बेस आ रहा है इस पर। देखा आपने, इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्चुअली एक सीक्रेट वॉयस मैसेज है। तो सीक्रेट वॉयस आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब आपका मैसेज आपको दे देगा तो उसके बाद डिस्ट्रॉय होगा। तो आप अभी बोलेंगे कि मैसेज तो कोई भी इसमें पढ़ सकता है, लेकिन इसका जो सीक्रेट कोड है उस कोड को अगर आप देंगे तो ही सीक्रेट मैसेज इसमें से आउटपुट होगा।
अगर सीक्रेट कोड जो है वो गलत देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं इस पर जो कोड इस पे मैंने दे दिया है वही कोड इस पे दबाऊंगा। दबाने के बाद ये पहले सीक्रेट मैसेज हमको बोलेगा, उसके बाद सेल्फ डिस्ट्रॉय होने का एक सिग्नल देगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। तो अभी चलिए इसको हम लोग टेस्टिंग करके देखते हैं कि किस प्रकार से एक्चुअली में ये काम करते हैं। तो अभी मैं इस पर जो मेरा जो पासवर्ड है तो सही पासवर्ड मैं दे रहा हूँ। तो अभी देखिए पासवर्ड मैंने डाल दिया है, अभी वॉइस स्टार्ट हो गया है। तो देखिए वॉइस मेरा खत्म हो गया, अभी अलर्ट कर रहा है। सुनने के बाद 5 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अलर्ट हो गया है, तो अभी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखा ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो गया है। इस प्रकार से ये एक्चुअली में काम करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग सीक्रेट वॉइस मैसेज वाला एक सेल्फ डिस्ट्रॉय प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगते हैं, थैंक यू दोस्तों, बाय।